हेलो एवरीवन, मैं हूं ऋतु मिर्चल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो ख़ास तौर से उन मर्दों के लिए है जो कहीं ना कहीं ये डाउट रखते हैं कि क्या मेरी फीमेल पार्टनर मुझसे सेटिस्फाइड होती है, क्या वो पूरी तरीके से खुश होती है। इससे पहले क्वेश्चन आता है कि औरतों को वक्त कितना लगता है, यानी कि मेल पार्टनर की अगर मैं बात करूँ तो यूजुअली इंडियन जो मेल पार्टनर्स होते हैं उनकी जो नॉर्मल टाइम रेंज है 2 मिनट से 15 मिनट का टाइम होता है, वो एवरेज होता है, यानी कि ऑन एंड नॉर्मल एंड एवरेज। और मैं अगर एवरेज की बात करूँ, अप्रोप्रिएट एवरेज की, तो वो 5 से 5.5 मिनट का होता है। बट औरतों के लिए ये बिल्कुल अलग सा होता है, क्योंकि मेल पार्टनर जितना जल्दी रेडी होते हैं उतना जल्दी ही डिस्चार्ज भी कर देते हैं और काम भी हो जाते हैं। बट फीमेल पार्टनर की ये पूरी प्रोसेस अलग होती है, उनको वो रेडी होने में भी काफ़ी वक्त लगता है। कुछ बायोलॉजिकल रीज़न है इसके पीछे, खैर वो मैंने बहुत सारे वीडियोस में अलग से डिस्कस की है। तो औरतों को रेडी होने में भी वक्त लगता है, काम डाउन होने में भी वक्त लगता है ना। आप पानी उबलने वाली पानी को ही ले लो, पानी उबलने में जितना वक्त लगता है उबलते हुए पानी को ठंडा करने में भी उतना ही वक्त लगता है। औरतों के लिए बात वही होती है, तो इसीलिए उनको ना कम से कम 15 से 30 मिनट के बीच का वक्त लग जाता है। अब आप बोलोगे मैम, एक मर्द अगर 15 मिनट में ख़त्म हो गया तो फिर एक फीमेल को वो कैसे सेटिस्फाइड कर पाएगा, क्योंकि जहाँ वो ख़त्म वहाँ बोले हो कि औरतें शुरू। बात तो यही है, मुद्दे की बात यही है। तो फिर हम इसको एडजस्ट कैसे करें? एडजस्ट ऐसे करना है दोस्तों, हमेशा मैं बोलती हूँ बात फोरप्ले पे कॉन्सेंट्रेट करो, क्योंकि मैंने कहा ये होता है इंसर्शन टाइम, यानी कि 2 मिनट से 15 मिनट का जो मैं वक्त बता रही हूँ मर्दों के लिए वो होता है इंसर्शन टाइम। इंसर्शन टाइम में वो 2 मिनट से 15 मिनट के बीच का वक्त लेते हैं, जो मर्द थोड़ा दिमाग लगा के रिलेशन बनाते हैं, बीच बीच में गैप देते हैं, बीच बीच में ब्रेक जर्नी करते हैं, उनका टाइम वो 15 मिनट की जगह 30 मिनट तक भी, 1 घंटे तक भी कर लेते हैं। वो कंटिन्यू नहीं कर पाते, ब्रेक जर्नी देते हैं। बट और तो की अगर मैं बात करूँ तो उनका टाइमिंग, इंसर्शन की बात नहीं करी हूँ, क्योंकि उनको रेडी जो हो रहे हैं वो टाइम से शुरू, और जहाँ उनका भी डिस्चार्ज हो रहा है वो टाइम की भी बात करी। औरतें भी डिस्चार्ज करते हैं, यस मैंने इस पर बहुत से वीडियोस बनाए भी हैं, औरतें भी डिस्चार्ज करते हैं। तो अगर एक मर्द फोरप्ले पे ध्यान दे कि वो जब अपने फीमेल पार्टनर को प्रॉपर रेडी कर देते हैं उसके बाद इंसर्ट करते हैं, तो उनका भी जो डिस्चार्ज टाइम है फीमेल का भी वही टाइम हो जाता है। एक मेल पार्टनर को अगर 2 मिनट से 15 मिनट का वक्त लगता है, तो अगर कोई मेल पार्टनर एक्सेस जो 15-20 मिनट का या 10-15 मिनट का टाइम है वो अगर फोरप्ले पे लगाते हैं, या 5 मिनट भी जो एक्स्ट्रा टाइम है वो फोरप्ले पे लगाते हैं ना, तो फीमेल पार्टनर भी उस लेवल पर रेडी हो जाती है जिस लेवल पर एक मेल पार्टनर ऑलरेडी रेडी होके बैठा हुआ है। तो दोनों का टाइम सेम हो जाता है ना, और फीमेल पार्टनर संतुष्ट हो जाती है ना। यही कॉन्सेप्ट मर्द नहीं समझ पाते दोस्तों। जब थोड़ा सा वक्त बीत जाता है, जब शादी के 5, 7, 8, 10 साल बीत जाते हैं, तो खुद फीमेल पार्टनर और खुद मेल पार्टनर इससे यूज्ड टू हो जाते हैं, और मेल पार्टनर टाइम देना छोड़ देते हैं और फीमेल पार्टनर उसको हाथ लगाना फिर छोड़ देती है। उसको फिर कोई मज़ा नहीं आता ना, क्योंकि अगर वो रेडी ही नहीं होगी तो वो उस मज़े को फील कैसे करेगी जिसके लिए आप तड़प रहे हो, एक मेल पार्टनर तड़प रहा है। बहुत बार मेल पार्टनर जो होते हैं ना वो आदत से भी अपने फीमेल पार्टनर को टाइम नहीं देते। कुछ मेल पार्टनर के अंदर पावर और स्टैमिना की कमी होती है जिसकी वजह से वो अपने फीमेल पार्टनर को टाइम नहीं देते। क्योंकि पहली बात कि जिनको थोड़ी सी पी की प्रॉब्लम है, जिनको इरेक्शन की प्रॉब्लम है, या फिर जिनको स्टैमिना की प्रॉब्लम है, वो क्या करते हैं ना, छटापट से इसका सल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। किसी मेल पार्टनर के अंदर स्टैमिना स्ट्रेंथ की कमी होती है ना, तो वो इन सारी चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करते। वो अराउज हो गए हैं, वो झटापट से फीमेल पार्टनर के ऊपर चढ़ जाते हैं, घाघरा उठाओ और शुरू हो जाओ, फिर कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं और खुद का डिस्चार्ज करके फिर सो जाते हैं। तो इसीलिए क्या करना है आपको, अपने डाइट में ध्यान देना है,
ज़रूर अपने डाइट में ध्यान दो, अपने खान पान पे ध्यान दो, नेचुरल चीज़ें का इनटेक करो, लाइक बादाम वगैरह खाओ, छोले चने गुड़ अनार, ऐसे बहुत से फूड आइटम हैं, कॉफ़ी पाउडर, नेचुरल चीज़ें एज लाइक के अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो फिर तो अंडा बहुत ही अच्छा होता है, मीट बहुत अच्छा होता है थोड़ा बहुत। और अगर आप वेजिटेरियन हो ना तो वेजिटेरियन के केस में आप दूध पनीर ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करो, ये आपके अंदर से ताकत देता है। अगर आप हर्ब्स की बात करो तो शिलाजीत, गोक्षुरा, अश्वगंधा, साथ ही साथ सफ़ेद मुसली, ये सारी जो हर्ब्स है ना ये आपको बहुत मदद करता है अंदर से आपको स्टैमिना लाने में। हॉनी गोट वीट भी बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे मतलब कि अगर आप इंडिविजुअल नहीं भी लेना चाहते तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन मार्केट में अवेलेबल है। आप रैटिकन कैप्सूल को अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हो, ये 100% सेफ है, नेचुरल है। इसमें खास तौर से 6 ऐसे हर्ब डाले गए हैं जो बहुत ही फेमस होता है नेचुरल तरीके से स्ट्रेंथ एंड स्टैमिना को बढ़ाने के लिए, एज लाइक शिलाजीत, गोक्षुरा। शिलाजीत को तो मतलब कि नेचुरल वियाग्रा कहा जाता है, इसमें इतनी ताकत होती है। शिलाजीत में 85 से ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, एंटी ऑक्सीडेंट इसमें मौजूद है। इसमें जो खास इंग्रेडिएंट वो है फुलविक एसिड, नेचुरल तरीके से आपके अंदर स्ट्रेंथ स्टेमिना को बढ़ाने में, आपके मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाने में काफ़ी मदद करता है। इसमें पाए जाने वाला अश्वगंधा, गोक्षुरा और शिलाजीत, इन सारे इंग्रेडिएंट को नेचुरल वियाग्रा कहा जाता है। इसमें इतनी ज़्यादा ताकत होती है, ये आपके इरेक्शन प्रॉब्लम को तो ठीक करता ही है, साथ ही साथ आपके पावर को, स्टैमिना को अंदर से बढ़ाता है, लिबिडो को बढ़ाता है, और इसके साथ साथ ये मसल स्ट्रेंथ को भी बिल्डअप करता है। इसमें कॉन्च बीज और बाला डाले गए हैं जो कि आपकी मोटिलिटी को इंक्रीज करता है, नेचुरल तरीके से आपके सीमेन प्रोडक्शन को अच्छा बनाता है और स्पर्म काउंट को और स्पर्म मोटिलिटी को भी बहुत हेल्दी बनाता है। तो ऑल ओवर इसकी जो कॉम्बिनेशन है वो नेचुरल तरीके से आपके पावर स्टेमिना को इन्हेंस करता है, नेचुरल तरीके से करता है, यानी कि अंदर से ये बिल्डअप करता है जिसकी आपको ज़रूरत है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके लिंक मिल जाएगी, आप एक बार चेकआउट कर सकते हो, बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा आपके लिए। देखिए बहुत सारे फीमेल पार्टनर ऐसे होते हैं ना जो कभी भी अपने मेल पार्टनर को बताते नहीं हैं कि वो क्या चाहते हैं, अंदर ही अंदर डिसअपॉइंटेड होते हैं और आपको गलत दिखावा करते हैं, यानी कि वो खुश हैं आपसे, संतुष्ट हैं आपके, इसका दिखावा कर। बहुत सारी औरतें तो फेक आवाज़ें भी निकालती है, अगर मर्द पूछता भी है ना तब भी बताती नहीं, बोलती हाँ हाँ मैं खुश हूँ, क्योंकि वो अपने मेल पार्टनर को दुखी नहीं करना चाहता, उसके कॉन्फिडेंस को लूज़ नहीं करना चाहता। बट इसके पीछे आपको समझना पड़ेगा, कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझने पड़ेंगे, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सेटिस्फेक्शन मिलने पर होती है और नहीं मिलने पर होती है। जब आप इस चीज़ को समझ जाओगे ना तो आपके इसके डिफरेंसेस भी नज़र आने शुरू हो जाएंगे। अगर आप स्टैमिना की वजह से, अपने थकान की वजह से उसको वक्त नहीं देते, बहुत सारे मेल पार्टनर ऐसे होते हैं जो इसकी वजह से ज़्यादा देर तक नहीं कर पाते, बहुत कम समय के लिए करते हैं, यानी कि जल्दी जल्दी डिस्चार्ज करते हैं, क्योंकि उनको वो नहीं कर पाते ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए, 15 मिनट तक, क्योंकि फिजिकल रिलेशन एक हार्ड एक्सरसाइज होता है, पूरी बॉडी को हिलाना पड़ता है, आप समझ रहे हो, इतना हार्ड एक्सरसाइज होता है, एंड आई कैन अंडरस्टैंड इट। काफ़ी सारे पोजीशंस ऐसे होते हैं जो मैक्सिमम बेस पे मर्दों को करना पड़ता है, औरतें कम इनिशिएट होती हैं आज के डेट पे भी, स्पेशली कुछ पोजीशंस ऐसे होते हैं जिसमें एक्स्ट्रा एफर्ट देनी पड़ती है, कुछ पोजीशंस ऐसे होते हैं जिसमें कम एफर्ट डालनी पड़ती है, बट कुछ पोजीशंस ऐसे हो जिसमें बहुत एफर्ट की ज़रूरत होती है। उसमें खास तौर से मतलब कि अगर आप सिर्फ इन एंड आउट प्रोसेस की बात करो वो अलग बात है, बट मैं एक्चुअल फ्रिक्शन की बात कर रही हूँ जो औरतों के लिए ज़रूरी होती है, और वो आपको समझना पड़ेगा। मैं हर औरतें एक ही टाइम पे सेटिस्फाइड हो जाती है मैं नहीं बता रही हूँ, बट एटलीस्ट आपको समझना पड़ेगा कि आपके फीमेल पार्टनर किस में हो रही है। आपको ज़ोर से जकड़ लेना, नाखून बिठा देना, या आपको और ज़्यादा खींच लेना अपनी तरफ, या कुछ हल्की सी आवाज़ें मुँह से निकल जाना ऑटोमेटिक, या उसकी थाइस का एरिया से आपको जकड़ लेना, थाइस का एरिया और ज़्यादा सिकुड़ जाना, बहुत सारी ऐसे सिम्टम होते हैं जिसको देख के आप पता लगा सकते हो कि आपकी फीमेल पार्टनर खुश हो रही है।
और इसको अगर आप अच्छी तक एक्सपीरियंस नहीं किए हो तो दैट मीन्स आपकी फ़ीमेल पार्टनर आपसे सेटिस्फाइड नहीं है। अगर वो लाश की तरह फैली रहती है शुरू से एंड तक, तो आपको अपने आप में थोड़ा सा एफर्ट डालने की ज़रूरत है। औरतों की बॉडी और इसकी कलाकारी भगवान की एक अनोखी क्रिएटिविटी है दोस्तों, इसीलिए उस पर थोड़ा सा ज़्यादा मर्दों को मेहनत करनी पड़ती है। आप क्या कर सकते हैं, ये गॉड गिफ्टेड है, ना आप कुछ कर सकते हो ना हम कुछ कर सकते हैं, बस हाँ थोड़ा सा एफर्ट डाल सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें एंड डू सब्सक्राइब।